दोस्तों उत्तर प्रदेश होमगार्ड से संबंधित बहुत जरूरी अपडेट निकल कर आ रही है। आपको बताऊंगा इन अपडेट्स के बारे में पूरा डिटेल से। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चले चलते हैं पहले अपडेट की तरफ। दोस्तों एक आदेश मुझे प्राप्त हुआ है, आदेश आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अगर आप चाहें तो इस आदेश की कॉपी को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में पूरा डिटेल से देख सकते हैं। फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको जूम करता हूं और दिखाता हूं कि इस आदेश में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर से भेंट वार्ता में उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में ड्यूटीरत अधिकतर होमगार्ड का टर्नआउट वर्दी ठीक नहीं पाया जा रहा है तथा कुछ होमगार्ड देखने में काफी अधिक वृद्ध शारीरिक रूप से अक्षम लगते हैं, जिनकी आयु लगभग 60 से 65 वर्ष लगती है। ऐसे होमगार्ड को किस आधार पर ड्यूटी पर चलाया जा रहा है, इस ओर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिए गए हैं। अतः जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में समस्त वैतनिक प्लाटून कमांडर, बीओ, अवैतनिक प्लाटून कमांडर, सहायक कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर को आदेशित किया जाता है कि वे निम्न प्रकार आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परिपालन से अवगत कराएं। ड्यूटीरत होमगार्ड की ड्यूटी चेकिंग प्रतिदिन की जाए, चेकिंग के समय उनकी वर्दी टर्नआउट पर विशेष ध्यान दिया जाए, किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तदनुसार चेकिंग रिपोर्ट में उल्लेख करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अपनी कंपनी के समस्त होमगार्ड एवं अवैतनिक पदाधिकारी एवं अवैतनिक पदाधिकारियों की जन्मतिथि का मिलान उनकी व्यक्तिगत पत्रावली में रक्षित जन्मतिथि प्रमाण पत्र भर्ती फॉर्म नॉमिनल रोल से किया जाए। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जो होमगार्ड देखने में काफी वृद्ध लगते हैं, उनका शैक्षिक योग्यता, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, मेडिकल प्रमाण पत्र विशेष रूप से चेक किया जाए। शारीरिक रूप से अक्षम अथवा गंभीर रूप से बीमार होमगार्ड का स्वास्थ्य परीक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहारनपुर से कराया जाए। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। यदि इसके बाद भी कोई अनियमितता त्रुटि पाई जाती है तो वो उनके लिए संबंधित वैतनिक अवैतनिक पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे। तेज प्रकाश, जिला कमांडेंट होमगार्ड सहारनपुर। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय दीजिएगा इस आदेश के बारे में, आपकी क्या राय है। जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले अपडेट की तरफ। अगली आपको एक आदेश की कॉपी स्क्रीन पर दिख रही होगी, अगर आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में पूरा डिटेल से देख सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको जूम करता हूं और दिखाता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड मेरठ, 8 सितंबर 2020, होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या दी है दिनांक 5 सितंबर 2020 के द्वारा जनपद में PRB को तृतीय शिफ्ट में चलाने हेतु जनपद मेरठ को आवंटित 72 होमगार्ड स्वयंसेवकों की सूची जनपद के UP 112 परियोजना विभाग को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। PRB को तृतीय शिफ्ट में चार पहिया वाहन चालक हेतु ऐसे होमगार्ड स्वयंसेवक जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वैधता तिथि सहित हो, अपना प्रार्थना पत्र अपने कंपनी अधिकारी के माध्यम से कंपनी अधिकारी की संतुति सहित 3 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे सूची समय से UP 112 परियोजना विभाग को प्रेषित कर प्रशिक्षण की कार्रवाई कराते हुए होमगार्ड स्वयंसेवकों को ड्यूटी पर नियोजित किया जा सके। उक्त के अतिरिक्त यूपी डायल 112 में पूर्व से दो पहिया वाहन चालक हेतु तैनात होमगार्ड स्वयंसेवकों में से यदि कोई होमगार्ड स्वयंसेवक चार पहिया वाहन चालक में जाना चाहता है तो वह भी इस आशय का प्रार्थना पत्र चार पहिया वाहन चालक हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वैधता तिथि सहित अपने कंपनी अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। दो पहिया वाहन चालक में से चार पहिया वाहन चालक हेतु आवेदन किए जाने के फलस्वरूप होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष दो पहिया वाहन चालक हेतु अन्य होमगार्ड स्वयंसेवक आवेदन कर सकते हैं। राजेंद्र सिंह, जिला कमांडेंट होमगार्ड मेरठ। दोस्तों यहाँ पर डायल 112 के लिए जो चालक हैं उनके लिए यहाँ पर होमगार्ड से आवेदन मांगा गया है। 72 होमगार्ड स्वयंसेवकों की सूची भेजी गई है। अगर आप दो पहिया वाहन चालक हैं तो आप भी चार पहिया वाहन चालक के लिए आवेदन कर सकते हैं। चले दोस्तों चलते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के बहराइच से। होमगार्ड को नहीं मिला ड्यूटी भत्ता, भुखमरी के कगार पर परिवार। ड्यूटी भत्ता न मिलने से होमगार्ड भुखमरी के कगार पर हैं। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में होमगार्ड का कहना है कि लोकसभा, कुंभ मेला व मार्च से जून तक 2020 तक ड्यूटी भत्ता न मिलने से होमगार्ड भुखमरी के कगार पर हैं। होमगार्ड अनुज कुमार सिंह ने बताया कि संबंधित विभाग को कई बार पत्र लिखकर भत्ता भुगतान की मांग की गई है लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही। नवाबगंज क्षेत्र में रहने वाले होमगार्ड अजीत कुमार सिंह, अमितेंद्र कुमार तिवारी, राघवेंद्र, देवी प्रसाद त्रिपाठी, राजेंद्र मौर्य, पेशकार वर्मा,
राजकुमार सिंह, नरसिंह दास, हीरा लाल यादव, राधेश्याम यादव, अजय कुमार शर्मा, जगदीश प्रसाद वर्मा का कहना है कि जल्द भुगतान न हुआ तो आर्थिक स्थिति भयावह हो जाएगी। दोस्तों बहुत अफसोस की बात है, यहाँ पर होमगार्ड का बहुत सारा पैसा रुका हुआ चल रहा है, चाहे वह लोकसभा चुनाव ड्यूटी हो, चाहे कुंभ मेला ड्यूटी हो, चाहे जनवरी से अभी तक का ड्यूटी हो, सभी का पैसा रुका हुआ चल रहा है। विभाग को चाहिए कि जल्दी से जल्दी भाइयों का वेतन दे सकें ताकि भाइयों की परेशानी दूर हो सके। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बताइए आपका कौन सा पैसा रुका हुआ चल रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।